नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। फ्री स्कीम्स पर अब 17 अगस्त को सुनवाई, चुनाव आयोग को फटकार। चीफ जस्टिस बोले, मसला गंभीर है, कुछ लोग सीरियस नहीं। चुनाव में फ्री स्कीम्स के वादों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में करीब 20 मिनट तक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने आयोग से पूछा कि आपने हलफनामा कब दाखिल किया, रात में हमें तो मिला ही नहीं, सुबह अखबार देखकर पता चला। चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी आपकी ओर से पेश हुए। इस मसले पर अगली सुनवाई अब 17 अगस्त को होगी। भारत जैसे गरीब देश में इस तरह का रवैया सही नहीं है। चुनाव में घोषणा के वक्त पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं सोचती कि पैसा कहां से आएगा। मुफ्त चुनावी वादे और सोशल वेलफेयर स्कीम में फर्क है। यह एक जटिल मुद्दा है जिसे सुनने के लिए डेटा चाहिए। मेरी यहां एक महिला कर्मचारी काम करती है, कल उनके पास मेट्रो से जाने के लिए पैसे नहीं थे तो मैंने दे दिए। उन्होंने बताया कि दिल्ली में बस सेवा फ्री है और ट्रैवलिंग के लिए उसी का ज्यादा उपयोग कर रही हूँ। क्या ये फ्री स्कीम है?